दर्शकवीर नमस्ते। स्थानीय तह के बैसाख 30 गते निर्वाचन भरल छे। निर्वाचन के क्रम में जनता के बात छे, जनता के सवाल सब छे। संग संगे एक विषय वस्तु अभी छे जे जनता केहन प्रतिनिधि के चुने त यह सब विषय वस्तु के जोड़ के हम सब बात करब अवकाश प्राप्त शिक्षक रविन्द्र चौधरी उनका संगे। सर स्वागत। धन्यवाद। अखन चुनाव भरल 30 गते के चुनाव हेत, जनता के केहन प्रतिनिधि के चुनल? अपने के विगत जे चुनाव भेले मधेस आंदोलन के बाद स्थानीय निकाय के, तो के मधेसी जनता निक आ बेजाय कोनो बात नहीं सोच के मधेसी दल के उम्मीदवार के जीतल के, और मधेसी दल के जे उम्मीदवार जे भेला विजयी से पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार और अहंकार से डूबि गेला, और कोनो भी चाहे बौद्धिक जमात होए, समाज सेवी होए या अन्य राजनीतिक दल के व्यक्ति होए, पत्रकार होए, शिक्षक होए, बुद्धिजीवी होए, केकरो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जनकपुर के जनता के बहुत बड़का एक क्रोध है, माने जनकपुर के जनता बहुत पीड़ित है। तो अखन जब वर्तमान में स्थानीय निकाय के चुनाव भ रहल छै, तो सबके दिमाग में यह है जे विगत काल में हम सब जे गलती कैली उ गलती नहीं दोहराए चाहिए, और हम सब एक निक जनप्रतिनिधि के जिता के नगर पालिका जनकपुर उप महानगर पालिका में पठाबी, ताकि ये जनकपुर के विकास हो, जब सुशासन कायम हो, जब बौद्धिक वर्ग, पत्रकार, समाज सेवी, किसान, एक मजदूर, माने समस्त वर्ग के एक मर्यादा भेटे, ओकर बात के सुने। सर जना जनता यदि मत खसते तो जनता मत खसते तो जनता के मत खसाब के आधार सब की? हाँ, जनता के तो अपने के की थे, हम अपने के पहिने ही कह दिली जे जनता बहुत है जे पीड़ित है, ओकरा कोनो कामे नहीं भेल छे, मात्र भ्रष्टाचार, और एतबे नहीं, वो अपना जनप्रतिनिधि लगे ले तो ओकरा नहीं भेंट दल के, यदि भेंट भेले तो कोनो एक जवाब नहीं दिल के, कोनो काम नहीं भेले। तो सब कहे छे ने, कोई मनोज जी नहीं कहे छे तो सब उम्मीदवार जी उम्मीदवार सब कहे छे, लेकिन कोनो भी उम्मीदवार मनोज जी बाहेक जनता के साथ जुड़ल नहीं छे। मनोज जी विगत चुनाव में हारियो गेला तो वो 25 वार्ड में निरंतर घूमत रहला, कोरोना काल में भी वो बहुत लोग के सहयोग कयने छथिन, और हरेक जे कनी विकासो निर्माण के काम में उ सहयोग कयने छथिन, जीता भी जनप्रतिनिधि ऐसे पहले जनप्रतिनिधि चले वो सब अपने के हिसाब से की भ्रष्टाचार। जनप्रतिनिधि जतेक छे अपने के जनकपुर नगर पालिका के मेयर उपमेयर से लक वार्ड में, और सब आदमी भ्रष्टाचारे में संलग्न छे, कोनो विकास के काम नहीं कलक। वार्ड में जाय छले तो कोनो आदमी के बात नहीं सुने छले। जनकपुर उप महानगर पालिका में मेयर उपमेयर के कहे छले, कोनो बात वो सुने नहीं छले। केकरो गेलिए नगर पालिका में कोनो समस्या जी? हमरा घर के नजदीक जे एक मेन सड़क छे राम जानकी पथ, एक आदमी रास्ते घेर लेलके, और हम 10 निवेदन द के सारा प्रमाण के साथ 10 महीना तारीख ढोली। लाल किशोर जी हमर साथी मित्र छला, लेकिन कोनो केयर नहीं कैले। जब 10 महीना हमरा बीत गेल तो हुनका जाके कहलिए अहाँ बूते काम नहीं भेल, अहाँ बातों नहीं सुनै छी, तो आब हमर बाध्यता हवे जे अपन मुद्दा हम फिरता लऽ ली, और वही में वो कोनो जवाब नहीं देला आ हमरा मुद्दा फिरता लेबऽ पड़ल। दोसर बात अपने के कहै छी, 1 किलोमीटर कृषि सड़क बनाबे के लेल हम सब 100 जनता के सिग्नेचर क के हुनका देली, और 2 बरिस तक हम स्वयं नगर पालिका में दौड़त रह गेली जे हमारा 2 दिन के डोजर दिया, बल्कि तेल खर्चा होते हम तिरब, अहाँ के ड्राइवर के खाना पीना के सारा व्यवस्था हम करब, अहाँ सीधे एक डोजर उपलब्ध करा दू, तो 2 बरिस दौड़ला के बादो उ 2 दिन के लिए कि 2 मिनट के लिए भी डोजर नहीं देला। तब की भी जबकि नगर प्रमुख के दायित्व तो छे कृषि सड़क बनाए, शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न काम छे। बात कहू ना, जना अपने शिक्षा से अवकाश प्राप्त है ना,
हुनकर 20 वर्ष ई जे कार्यकाल में पहिल बेर एकटा ओ कहै छथिन जे हमर सबसे बड़का हम उपलब्धि कैली जे दरबंदी मिलान कऽ देली, तऽ शिक्षा के लेल तऽ परिवर्तन तऽ देखल जाओ। लाल किशोर जी कहै छथिन जे हम दरबंदी मिलान कैली, लेकिन हम सब दिन शिक्षक के नेतृत्व कैली, जिला शिक्षा समिति और शिक्षक छनौट समिति के सदस्य सेहो हम रह चुकल छी। हम दरबंदी मिलान के बात अपने के नीक जिका जानै छी, हम विगत में भी कहनी कोनो स्कूल में दूटा अंग्रेजी शिक्षक, कोनो स्कूल में दूटा नेपाली विषय के शिक्षक आ ओहिजा अंग्रेजी शिक्षक नहीं छी, कतौ अहाँ के मैथे के चारिटा शिक्षक छै आ आन विषय जे पढ़वा वाला शिक्षक नहीं छै। हम अपने के कहब हम नीक जिका अय केस के कनी हम डीलो कयने छी, नगर पालिका में जे पीड़ित शिक्षक सब पहुँचला विभिन्न निकाय के संघ के संगठन के माओवादी शिक्षक संगठन के, तो वही जे एके तो बात देखल गेल जे मेयर साहब प्रतिशोध के आधार पर, प्रतिशोध माने हुनका व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं छले, लेकिन हुनकर जे यस मैन कुछ प्रधानाध्यापक सब जे छलथिन हुनका कहला पर आ प्रधानोध्यापक के हम अपने सबके स्पष्ट कह दे छी जे आन प्रधानाध्यापक के नहीं, जे माने जे मॉडल स्कूल छै, मॉडल स्कूल में विकास के लेल चार बरिस पहिने से 2-2 करोड़ रुपया आबै छै, वही रुपया के केना के हम लूटब आ प्रधानाध्यापक सब वही काम में लगला जे अपनो खाओ, मेयर साहब खुश रहता हिनका चढ़ौना दे देबै तो हम सुरक्षित रहब, आ ओहने प्रधानाध्यापक के कहला पर उ प्रतिशोध के भावना राखि कऽ आ शिक्षक सबके हेराफेरी कैलक। उ 100% लाल किशोर जी गलती कैला सेहो हम नहीं कहब, कुछ अहाँ के दरबंदी मिलान में 10-20% नीको काम कयने छै, लेकिन वो बेसी गलती ये माध्यमिक स्तर के शिक्षक सबके जथाभावी। हम एक उदाहरण दै छी जे एकेटा स्कूल से एक मैथ आ साइंस के टीचर आईएसी ओकरा एक महिला के ट्रांसफर अहाँ के पिराड़ी चौक में कर दिल के बसैया से आ वही जगह एक मैथ के शिक्षक राख दिल के, ये दरबंदी मिलान भेले, हम अपने के उदाहरण सहित पेश कर दिली। एक नेपाली शिक्षक के हटा देब आ वही जगह फिर नेपाली शिक्षक देव जेना शंभू शाह है अखन संकट मोचन में ओकरा भेली, कनरपट्टी हाई स्कूल में कहने रहे लेकिन बाद में ओकरा संकट मोचन में राखि दिल, तो ये सब जो है प्रतिशोध के आधार पर और जथाभावी ट्रांसफर कर। एक महिला जरा 6 महीना के बच्चा थे और ओकरा बहुत दूर फेंक दिल के, कतौ उ सोहनी मुजलिया से उतर सोहनी में, तो उ तक कोनो शिक्षा के समस्यो नहीं बुझलथिन, प्राइमरी स्तर में तो दरबंदी मिलान के बात नहीं हुई थी, तो सिर्फ प्रतिशोध के आधार पर। जनता की करते तब वही जी जनता परिवर्तन करते, जनता के निश्चित रूप से परिवर्तन करे।